हेलो स्टूडेंट्स, टेली प्राइम 3.0 की क्लास नंबर 19 में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डे बुक के बारे में, यानी कि हमारे टेली सॉफ्टवेयर में जो डे बुक का ऑप्शन होता है, उस डे बुक में हमारी कंपनी की जितनी भी हमने ट्रांजेक्शन्स करी होती है वो सारी हमें डे बुक के अंदर दिखती है। तो हम उस सभी ट्रांजेक्शन को पर्टिकुलर किसी एक डेट की या फिर पर्टिकुलर किसी एक पीरियड की रिपोर्ट को हम डे बुक में किस प्रकार से देखेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों के लिए। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, तभी आपको ये सारी बातें और सभी फीचर्स के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिल पाएगी। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो स्टूडेंट्स, हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में डे बुक को तीन तरीके से के ऑप्शन से हम देख सकते हैं। सबसे पहले जैसे हम टेली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और हमारे सामने जो इसका मेन होम पेज ओपन होता है गेटवे ऑफ टेली के नाम से, उसके अंदर ही हमें एक ऑप्शन मिल जाता है डे बुक का। आप इस ऑप्शन पे जाके भी हम यहाँ से इसको डे बुक को ओपन कर सकते हैं, या इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन हमारे पास में है, डिस्प्ले पर हम जाएंगे और यहाँ से भी हम डे बुक को ओपन कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, आप यहाँ पे इसका गो टू यानी कि एल्ट जी शॉर्टकट इसकी कमांड है, यहाँ से भी आप इसके डे बुक के ऑप्शन पर जा सकते हो, यानी कि तीनों ऑप्शन वो आपको वहीं पर ही लेके जाएंगे। तो जैसे हम डे बुक पर फर्स्ट टाइम एंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने पर्टिकुलर किसी एक डेट की डे बुक है जो ओपन होती है, और वो डे बुक आपके सामने कौन सी ओपन होगी, जो आपने जिस डेट के अंदर लास्ट के अंदर जो एंट्री आपने करी है वो डेट आपको देखती है। जैसा कि आप यहां देख सकते हो भी डेट ऑफ लास्ट एंट्री कौन सी है, 20 अप्रैल 2023 की। और उसके बाद में जैसे हम डे बुक के ऑप्शन पर जाते हैं तो ये वहां पर हमारे सामने इस डे बुक के अंदर भी ये 20 अप्रैल 2023 की डे बुक का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि फर्स्ट टाइम में जो हमारी लास्ट रिसेंटली एंट्री हमने करी होती है जिस डेट के अंदर, वो डेट डे बुक का जो ओपन करता है उसके अंदर जो भी आपकी रिपोर्ट है, सेल परचेज पेमेंट रिसिप्ट जर्नल कॉन्ट्रा वाउचर वगैरह जो भी है वो सब कुछ आपको रिपोर्ट यहाँ पर शो होती है, जो भी वाउचर आपने एंट्री पास कर रखी है। तो ये तो होगी पर्टिकुलर आपने किसी एक डेट की। अब मान लीजिए आपको किसी एक पर्टिकुलर पीरियड का डाटा चाहिए, पीरियड का मतलब हो गया, मान लीजिए आपने 15 अप्रैल 2023 से लेके और 20 अप्रैल 2023 तक की आपकी 5 दिनों की आपको डे बुक देखनी है, तो इसके लिए आपको डे बुक के ऑप्शन पे जाना है और यहां से अब आपको जैसे अगर आप F2 चेंज करोगे तो यहां पर पर्टिकुलर आपको किसी एक डेट की मिलेगी, मान लीजिए आपने 15 तारीख कर दी तो आपके सामने केवल 15 तारीख की रिपोर्ट यहां पर आपको दिखेगी। हमें चाहिए 15 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक का, यानी कि 5 दिनों की रिकॉर्ड हमारे सामने यहां पर दिखे, तो इसके लिए आपको पीरियड है जो वो सिलेक्ट करना होता है, और पीरियड की जो हमारी कमांड होती है वो एल्ट के साथ में हम F2 यूज करेंगे। F2 का ऑप्शन हो गया केवल डेट चेंज करने के लिए और एल्ट F2 मतलब चेंज पीरियड के लिए। तो यहां से आप 15 अप्रैल से लेके और जहां तक भी आप देखना चाहो वो डेट आप दे दो, मैंने 15 अप्रैल से 20 अप्रैल दे, तो यहां से आप देखोगे तो डे बुक के अंदर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा 15 अप्रैल 23 टू 20 अप्रैल 23, यानी कि 15 से लेके 20 तारीख की सारी ट्रांजेक्शन आपके सामने है। तो ये तो होगी एक नॉर्मल सी बात, ठीक है। अब हम पूरे साल का डाटा अगर आपको ओपन करना हो तो आपको एल्ट F2 चेंज करना है और यहां से आपको स्पेस बार से ये डेट हटा देनी है और 2 के अंदर भी स्पेस बार से आपको ये डेट हटा देनी है। तो अब यहां से क्या होगा भी, अब आपका डाटा 1 अप्रैल 23 से लेके 20 अप्रैल 23 तक का डाटा शो होगा, ठीक है। अब इसको हमें कॉन्फ़िगरेशन करना सीखना है। अब कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको क्या करना है, F12 बटन पर आपको प्रेस करना है, ठीक है। अब उसके बाद में ये ऑप्शन आपके सामने आ रहा है शो नरेशन, अगर आपने किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर पेमेंट रिसीप्ट परचेज कॉन्ट्रा के अंदर कोई नरेशन आपने दे रखा है, अगर आप चाहते हो वो नरेशन मेरे को दिखे तो इसके लिए आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हो। उसके बाद में अगला ऑप्शन आपके पास आता है फॉर्मेट ऑफ की रिपोर्टिंग के लिए, तो यहां पर आपके सामने 2 ऑप्शन मिलेंगे, डिटेल के साथ देखना चाहते हो या फिर आप इसके अंदर कंसेंटेड के साथ में देखना चाहते हो, तो हम पूरे डिटेल के साथ देखेंगे तो डिटेल पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दिखेगा शो इन्वेंट्री डिटेल्स, यानी कि अब मान लीजिए आपने कोई सेल इन्वॉइस किया है तो उस सेल इन्वॉइस के अंदर आपने क्या क्या प्रोडक्ट सेल किए हैं वो डिटेल भी अगर आपको देखनी है तो आप इस ऑप्शन को यस करें। अब उसके बाद में आएगा आपने जो प्रोडक्ट सेल किए हैं उसका अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन दे रखा है स्पेशल से कोई,
वो भी अगर आप दिखाना चाहते हो आइटम का, तो इसको भी आप यस कर दीजिए। उसके बाद में ऑप्शन आ जाएगा शो मोड ऑफ पेमेंट्स का, पेमेंट आपने किस किस तरीके से करी है वो आप यस कर सकते हो। शो एडिशनल बैंक डिटेल्स, इसको आप यस कर सकते हो। यस करने से क्या होगा, मैं एक बार इसको ओके करके देखते हैं, एक बार हम इतना ही करते हैं और हम इसको इस तरीके से देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हो भी जो हमने परचेज किया था उस परचेज के अंदर हमने 5% का एक लेजर हमने क्रिएट किया, उसके अंदर हमने आइटम 1 10 पीस का कोई आइटम हमने परचेज किया, ये इसका रेट था और ये इसकी टोटल जो वैल्यू बनी है 12% का आइटम 2 18% का आइटम 3 और उसके बाद में हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स भी इसके अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पर टोटल जो हमारी परचेज की वैल्यू 6134 रुपये आ गई। अगर हम इस बिल पर एंटरप्राइज करेंगे तो आप यहाँ देखोगे 6134 रुपये वो आगे, और आपने जो जो आइटमें इसके अंदर खरीदी थी वो आइटम आपको इस बिल के अंदर दिख रही है, और वहां पर अगर आप बाहर जाके देखोगे तो वो सेम आइटम आपको यहाँ पर भी दिखेगी। अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शन की, डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर कोई दिया नहीं है तो वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको शो नहीं करेगा। अगर आपने दिया होगा तो वो डिस्क्रिप्शन भी आपको इस आइटम के साथ में यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद में ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे इस तरीके से पूरी डिटेल के साथ जो दिखती है। हम इसको वापस कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं पहले की तरह, या आप वापस इसको पहले की तरह रखना चाहते हो तो वापस बैक आ जाओ और वापस आप डे बुक पे क्लिक कर दो, जैसे आपके फर्स्ट टाइम थी वैसे वो आपके पास में वापस हो जाएगी। अब वापस हम F12 बटन पे प्रेस करते हैं और उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में एक शॉर्टिंग मेथड का ऑप्शन आता है भी। यहाँ पर कह रहे हैं भी आपने जो शॉर्टिंग मेथड है वो किस तरीके से करना है। आपने कोई मान लीजिए भाई ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है, बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं भी बाय डिफॉल्ट का मतलब हो गया भी ये डे टू डे ट्रांजेक्शन चलेगी, 1, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से आपकी चलेगी। यहाँ पर आपकी BDCA इस तरीके से नाम दिखेंगे। अगर आप चाहते हो भी आपके जो नाम है लेजर्स के वो अल्फाबेटिक आपको यहाँ पर दिखे, तो आपको F12 बटन प्रेस करना है, शॉर्टिंग मेथड पे आ जाना है और अल्फाबेटिक A to Z पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसमें क्या होगा, आपका जो लेजर्स है पर्टिकुलर के वो ABCD के अनुसार हो जाएंगे अल्फाबेटिकली, डेट आपकी चेंज हो जाएगी जैसे नाम के अकॉर्डिंग में, ठीक है। F12 वापस बटन प्रेस करेंगे और इसके बाद में आपके सामने Z2A भी कर सकते हो, आप इसको अमाउंट वाइज भी कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक अमाउंट आ जाए, अमाउंट है डिक्रीजिंग का, डिक्रीजिंग का मतलब क्या आ जाएगा, जो सबसे बड़ी अमाउंट है वो सबसे ऊपर रहेगी और जो सबसे छोटी अमाउंट है वो नीचे रहेगी, इस तरीके से बढ़ती हुई अमाउंट की तरफ में ये आएगी, यानी कि सबसे बड़ी अमाउंट ऊपर और सबसे छोटी अमाउंट आपको लास्ट में दिखेगी। यहाँ पर आपका अल्फाबेटिक से कोई लेना देना नहीं हो रहा, डेट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो आपको अमाउंट वाइज ये सभी को शॉर्टिंग कर रहा है। और इसका अगर आप इंक्रीजिंग करोगे तो इंक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में आएगा, सबसे छोटी अमाउंट ऊपर रहेगी, उसके बाद में इसके बाद बड़ी, इसके बाद ये बड़ी, इस तरीके से ये आप यहाँ पर इस तरीके से जो सबसे बड़ी अमाउंट है वो अब आपको लास्ट में आएगी, यानी कि बढ़ते हुए क्रम के अंदर आपको ये रिपोर्ट दिखेगी इस तरीके का। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन आपके पास, करेंसी वाइज आप देख सकते हो, वाउचर नंबर के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। मान लीजिए आपने वाउचर के नंबर के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है ना, तो वाउचर नंबर के अकॉर्डिंग अभी आपको डाटा दिखेगा, जैसे HTC 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, यानी कि ये भी आपको वाउचर नंबरिंग बढ़ते हुए क्रम के अंदर ये दिखाएगा आपको। तो इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन करके काफ़ी सारे डेटा को हम यहाँ पर शॉर्टिंग कर सकते हैं। हमने बाय डिफॉल्ट कर दिया, बाय डिफॉल्ट का मतलब ये डेट वाइज आपको दिखेगा। अब उसके बाद में ऑप्शन आएगा एक जो हिडन होता है एक तरीके से, हम कह सकते हैं इसको। अब मान लीजिए आपको पूरे डे बुक के अंदर केवल आपको कोई सेल रिपोर्ट ही चेक करनी है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे डे के अंदर परचेज, सेल, पेमेंट, शिप सब कुछ आ रहा है, आपको केवल सेल का ही वाउचर चाहिए। आपको F4 बटन प्रेस करना है और F4 प्रेस करने के बाद के अंदर आपके सामने वो सारे वाउचर आ जाएंगे। अब इसके अंदर मान लीजिए हमने सेल वाउचर को सिलेक्ट कर लिया, तो जो हम सेल वाउचर को सिलेक्ट करेंगे केवल वही अमाउंट सेल, सेल के जो डाटा है वो हमारे को दिखे देगा, बाकी सारा डाटा आपका हाइड हो जाएगा। वापस बैक करके डे बुक पर जाएंगे, सारा डाटा आपका वापस आ जाएगा, ठीक है ना। F4 करके आप इसी तरीके से पेमेंट भी आप चेक कर सकते हो, पेमेंट के अंदर केवल पेमेंट दिखेगी, बाकी डाटा आपका हाइड हो जाएगा। अब उसके बाद में एक ऑप्शन आपके पास आ जाए, यहाँ से अगर आप किसी लाइन को एक बार रिमूव करना चाहते हो, मान लीजिए आपने सेल इनवॉइस है लेकिन सेल इनवॉइस के अंदर ये सेल इनवॉइस और ये सेल इनवॉइस आपको यहाँ से हटाना है, डिलीट नहीं करना, हटाना है, तो यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ आपको करना क्या होगा, Alt+R का बटन, यहाँ पर Ctrl+R का बटन आपको यहाँ पर प्रेस करना होगा। जैसे हम Ctrl+R बटन प्रेस करेंगे वो लाइन वहां से रिमूव हो जाएगी,
फॉर एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए लास्ट एक हमारे पास परचेज वाउचर है, वाउचर का नंबर है 5 नंबर, हमें इसको यहां से हटाना है, तो हम कंट्रोल आर, आप देख सकते हो वो लाइन यहां से हट गई, यानी कि रिमूव हुई है, डिलीट नहीं हुई है। अगर वापस आपको उसको लाना होगा तो रिस्टोर आप कर सकते हो कंट्रोल यू के साथ में। जैसे जैसे आप कंट्रोल यू करते जाओगे आपका लास्ट डाटा, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या एक्सेल में हम कंट्रोल जेड करते हैं, उसी तरीके से इसके अंदर हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं कंट्रोल यू के साथ में। वैसे आप देख सकते हो इसकी सभी की जो शॉर्टकट है वो यहाँ पर नीचे दी होती है। अगर आप किसी वाउचर को डिलीट करना है आपको, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो एल्ट डी बटन आप प्रेस करोगे तो ऑप्शन पूछेगा डिलीट, यस या नो, यस करोगे तो वो वाउचर आपका डिलीट हो जाएगा, नो करोगे तो नहीं हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से आपने इस कमांड को कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से हम F2 से केवल पर्टिकुलर किसी एक डेट का डाटा चेक कर सकते हैं, और एल्ट F2 के साथ हम किसी को पीरियड वाइज डाटा हम चेंज कर सकते हैं, 5 अप्रैल से लेके मान लीजिए हमने 15 अप्रैल तक का कर दिया। अब मान लीजिए जैसे हमने फर्स्ट टाइम एंट्री कर रखी है 20 अप्रैल के, मान लीजिए हम एक एंट्री कर देते हैं 16 अक्टूबर को, मान लीजिए हमने कोई पेमेंट वाउचर की एंट्री हमने कर दी, 1 रुपए की हम एंट्री करते हैं और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, तो यहां आप देखोगे डेट ऑफ लास्ट एंट्री आपकी कब की दिखा रहे हैं, 16 अक्टूबर की। अब उसके बाद में जैसे हम डे बुक पर जाएंगे तो आपको जो रिसेंटली एंट्री हमने जस्ट लास्ट एंट्री करी थी 16 अक्टूबर की, वो आपको डे बुक के अंदर जो शो होती रहेगी। तो इस तरीके से आप एफ टू से डे बुक पर्टिकुलर किसी एक दिन का रिकॉर्ड, और एल्ट एफ टू से आप पर्टिकुलर किसी टाइम के अकॉर्डिंग अपने डाटा को चेंज कर सकते हो, और एफ द्वारा कॉन्फिगरेशन करके आप इसकी मेथड को शॉर्टिंग कर सकते हो, रिपोर्ट को आप हाइड कर सकते हो, और ज्यादा आप इसको डिटेल के साथ भी देख सकते हो। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर करना।